हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है सोरेन किर्केगार्ड, और ये एक फिलोसोफर हैं। इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स की बात करें, हियर यू कैन सी, अगर इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो 1813 से 1835 तक इन्होंने इनका लाइफ स्पान रहा है। ये डेनिश राइटर हैं, इन्होंने 22 बुक्स लिखे हैं, लेकिन फिर भी 22 बुक्स में से तीन किताबें जो हैं उनकी, ईदर और फियर एंड ट्रैवलिंग एंड द सिकनेस Unto Death, ये तीन किताबें इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि स्टडी करनी पड़ेंगी अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो इसमें। और दूसरा अफेक्ट जो इनकी लाइफ के बारे में हो ये है कि इन्होंने कभी भी इस तरह से बुक नहीं लिखी कि इन्हें पब्लिश करनी थी या फेम पाना था, जस्ट कह सकते हैं कि खुद के लिए इन्होंने बुक्स लिखी थी। ये फिजिकली काफ़ी फ्रेल थे, फ्रेल मीन्स कमजोर, काफ़ी कमजोर थे। और इनके जो अगर हम बात करें कि इनकी लाइफ थोड़ी सी हम कहें कि दुख भरी थी, और उनके सिबलिंग्स भी काफ़ी छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो लाइफ के प्रति थोड़े से नेगेटिव भी हो गए थे और थोड़ा सा लाइफ में मीनिंग के बारे में सर्च भी करने लग गए थे। तो अगर हम बात करें कि उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ भर, तो उन्होंने सिस्टमेटिकली अटैक्ड द पिलर ऑफ लाइफ। पिलर ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ में हमारे जो भी चीज़ें हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। ठीक है, क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमारा फेथ है, हमारी फैमिली है, हमारा वर्क है, उस पर हमारा ट्रस्ट है, और लाइफ में कुछ पर्पज है, इसलिए हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। हमें तो लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट आदमी के लिए ये मानना है कि इसके बारे में वो सर्च करेगा और अपने एक नए तरीके ढूंढेगा जीने के। तो सिंपली उनकी लाइफ का एक फिलॉसफी मैंने छोटा सा डायग्राम अपने लिए बनाया था समझने के लिए कि इफ़ यू डू समथिंग यू रिग्रेट, इफ़ यू डोंट स्टिल यू रिग्रेट, कि आप फिर भी अगर आप कुछ करते हैं तो भी आप पछता रहे हैं। लाइक मैरिज, इफ यू मैरी यू विल रिग्रेट, एंड इफ यू डोंट मैरी यू रिग्रेट, मीन्स दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ अबाउट अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट, कि मीन्स कुछ भी चीज आपको क्या नहीं दे सकती, एक तरह से पूरा एक मीनिंग नहीं दे सकती लाइफ में, क्या फिक्स चीजें नहीं है। और यही एक जो इसेंस है वो इस फिलॉसफी का है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट का। तो एक वर्ड आता है एंगस्ट, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनसे रिलेटेड है, सोरेन किर्केगार्ड से रिलेटेड है। पूछा जा सकता है कि अ कंडीशन वेयर वी अंडरस्टैंड हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव एंड हाउ लेस इंटेलिजेंस वी हैव एक्सरसाइज द चॉइसेस, कि एक ऐसी पोजीशन को एंगस्ट कहा उन्होंने कि जहां पर कि हमें पता चलता है कि ओ इतनी सारी प्रॉब्लम है लेकिन हमारे पास काफी कम नॉलेज है इनको सॉल्व करने के लिए, ओके इन प्रॉब्लम्स को। तो सोरेन किर्केगार्ड के बारे में हम बात करें तो कहेंगे कि वो एक ऐसे थे कि जिन्होंने हमें एक मीन सोरेन किर्केगार्ड इज यूजफुल टू अस बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हिज डिस्पेयर ऑफ एट द कॉम्प्रोमाइजेस, जो भी हम कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं उनसे हमें निराशा तो होती है, क्रुएल्टीज ऑफ डेली लाइफ, और हमें दिन भर कुछ ना कुछ झेलना होता है, और इन चीज़ों को जो भी झेल रहा है, जो भी कर रहा है, उसके लिए अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बात पता चलेंगी लाइफ के बारे में। तो इसलिए ये हमारे एक तरह से कंपेनियन हम बोल सकते हैं सोरेन किर्केगार्ड को, क्योंकि क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।